हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर एपिसोड एंड अनदर प्रोजेक्ट। अब आज एक और प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। आज हमारे जो कस्टमर है वो भी हमें बाइक हैंड ओवर करके गए हैं, ठीक है। तो अगेन ये बाइक आपको जज करने की या गेस करने की जरूरत आई थिंक नहीं, आप बल्कि कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बाइक प्रोजेक्ट्स मेरे पास कौन से आते हैं, तो वो है रावी पियागियो, ठीक है। अगेन आज हमारे पास एक आया है रावी पियागियो, उसकी हमने जो मॉडिफिकेशन करनी है, कंप्लीट एंटायर प्रोजेक्ट होने वाला ही है, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर लिया दो फेजेस में। उसका रीज़न ये है कि हमने पहले फेज़ में हमने इसको करना है इंजन स्वैप, ठीक है। आपको पता है इंजन स्वैप हम मोस्टली करते होते हैं, क्योंकि 125 से 150 cc में इतना जो है ना वो एक एनर्जी इतना वो लीथल नहीं होता, ठीक है। हमने मशीन्स को मॉडिफाई करना होता है, तो उस पर जो हम चाहते हैं कि जो एक पावर डिलीवरी वो भी अच्छी दे, ना कि ऐसा ना हो कि अच्छे बड़े बड़े टायर्स हों और सारा जो है ना बाइक मॉडिफाइड हुआ हुआ और 80-90 से ऊपर स्पीड ना जाए, ठीक है। एक्चुअली हम स्पीडिंग को फ़रोग नहीं देते कि स्पीड ज़्यादा तेज़ चलाएं आप, लेकिन ये होता है कि इनिशियल पावर होनी चाहिए बाइक में, ठीक है जी। अब रीज़न ये है कि हमने बाइक करना है मॉडिफाई, आपको चलें आपको सारी डिटेल्स दिखाती हैं, कौन सा इंजन है, कौन सा बाइक है, बाइक की कंडीशन क्या है, ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं और आपको बाकी सारी अपडेट्स साथ साथ देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो जी, ये बाइक है जो हमारे पास आया है, ठीक है जी। इस कंडीशन में आया है, कुछ आप देख सकें काफ़ी रस्टी जो है इसके व्हील्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मीटर वगैरह भी कंडीशन देख सकते हैं कि बस चीज़ें पूरी पूरी हैं, लेकिन हमें उसका उससे कोई मतलब गर्ज नहीं है। ये पीछे हमारी रेगुलर मशीन है, ये हमारी शॉप है, जो हमारा ऑफिस है, जहाँ पे हमारी जो है हैंड ओवर करते हैं और बाइक जो है ना डिलीवरी देते हैं। खैर, ठीक है, ये इसका इंजन है, ठीक है। इंजन के अलावा ये एक सा एग्जॉस्ट पहले लगा हुआ है। ये बाइक की कुछ कंडीशन है इस वक्त, ठीक है। तो 2011 मॉडल है ये, ठीक है जी। ये बाइक की इस वक्त कंडीशन आपको सारा एक 360 दिखा देते हैं, ठीक है जी। इधर से भी अगर आप देखें तो, खैर अब हमने करना क्या है इसमें, हमने करना है इंजन से। अब आपको इंजन भी दिखाते हैं, इंजन कौन सा है जो इसमें हमने चेंज करना है। ये इंजन है जी, होंडा का CD 200 है। ये एक्चुअली 200 cc सिंगल सिलेंडर है, ठीक है। OHC इंजन, ठीक है। ओवरहेड कैम इंजन है, काफ़ी स्मूथ इंजन है ये, ठीक है जी। काफ़ी स्मूथ इंजन ही होने वाला है ये। 200 cc होंडा का सिंगल सिलेंडर है ये, यही क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस कम होनी है। ये जो इंजन है इस बाइक में जाने के लिए काफ़ी कम अल्ट्रेशंस रिक्वायर्ड होंगे इंशाल्लाह। इसके बाइक के अंदर स्वैप करना है, इसकी कंडीशन काफ़ी रफ़ है, लेकिन ये कि एक बार जब इसको स्टार्टिंग पर ले आएंगे, फिर उसके बाद हम इसको वॉश वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से भी पानी जा सकता है अंदर, आगे से भी जा सकता है पानी, ठीक है। तो कहीं से अगर लीकेज वगैरह होगी वो भी दूर करेंगे इंशाल्लाह, वो बाद में हम करेंगे। तो ये कुछ इंजन है, ये आपको इसकी दोनों साइड दिखा देता हूँ इंजन की। ये आप देख सकते हैं अभी काफ़ी रस्ट वगैरह है इस पर आया हुआ, लेकिन ये है कि हम इसको जब एक बार करेंगे तो हम इसको सारे को क्लीन कर लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। बॉयज़ वेलकम अगेन। बाइक जो है हमारा इस वक्त वर्कशॉप पर आ चुका है, जहाँ पर हमारा एक और अभी प्रोजेक्ट भी चल रहा है रावी पियागियो का। उसमें हमने स्वैप करना है कावासाकी ZZR 250 का इंजन, आगे फ्रंट बैक डुअल डिस्क ब्रेक्स और इन्वर्टेड शॉक्स, ठीक है। अपडेट आपको इसकी देनी थी कि इंजन भी हमारा आ चुका है वर्कशॉप पर। ये जो CB 200 वाला इंजन है, सिंगल सिलेंडर 200 cc है, पावर तो इसके लिए काफ़ी होगा रावी पियागियो के लिए। तो बस अब आपको साथ साथ शॉर्ट्स वगैरह भी दिखाएंगे, और अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो अपने चैनल को लाजमी जो है फॉलो करना है हमारे अकाउंट को, ताकि आपको अमेजिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। चाहे आप हमारे से प्रोजेक्ट ना भी करवाएं, लेकिन सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आपने प्रोजेक्ट देखते रहेंगे तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिलती रहेगी अगर आपने, और शेयर भी कीजिएगा हमारी वीडियोज़ को, ताकि जो है ना हमारे काम को भी ज़रा ज़ीराई मिले, ठीक है। और आपने कमेंट्स भी लाजमी करना है, कमेंट करके हमारी ज़रूर हमें राय का इजहार करना है कि आपको बाइक में मॉडिफिकेशन वगैरह में कोई अच्छी लगी बुरी लगी हर चीज़ का, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। सो जी, इस वक्त हम जो इसके नेसेसरी पार्ट्स है वो रिमूव कर चुके हैं, इसका फ्यूल टैंक, इसके साइड कवर, सीट वगैरह रिमूव कर चुके हैं। अब हम इसका जो कार्बोरेटर वगैरह है वो सारे रिमूव करेंगे। जो नेसेसरी पार्ट्स हैं, जो यूरो की डिवाइस है वो भी हम उतार चुके हैं इसकी। आप देख सकते हैं इसकी जो यूरो की डिवाइस है वो भी उतर चुकी है, ठीक है जी। अब आहिस्ते आहिस्ते इसका इंजन रिमूव करेंगे, दैन फिर आगे दूसरा इंजन इंस्टॉल करेंगे, और फिर आगे उसकी वर्किंग वायरिंग वगैरह सारी न्यू होगी, बैटरी न्यू होगी, रेक्टिफायर वगैरह जो बाकी चीज़ें वो भी इंशाल्लाह चेंज होगी। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये है जी वो इंजन जो कस्टमर लेकर आए थे कि स्वैप करवाने के लिए, ठीक है जी। इंजन की कंडीशन आपने बाहर से देखी है, अब आपको इसकी कंडीशन जो है कुछ अंदर से दिखाते हैं फ्लैश लाइट ऑन करके कि अंदर से हमने इसकी क्या कंडीशन देखी है। तो ये देखें जी, आप कोई भी इंजन अगर आप ख़ुद भी परचेज़ करें तो एटलीस्ट आप ये चीज़ देखा करें कि अंदर इसका पानी से बुरा हशर हो गया है, कि ये पता नहीं कितना अर्से इसके ऊपर पानी पड़ता रहा है, ठीक है जी। वॉल्व इसके जंग आलूद होके बिल्कुल स्टक हो चुके हैं अपनी जगह पर, जो कि किसी भी सूरत में नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, और ये वॉल्व तोड़ देंगे, ठीक है जी। इतना ज़्यादा शदीद
खरीद जाएंगे। उसके बाद अगर हम आपको इसका इंटेक दिखाएं, इंटेक में अभी नमी और जो क्रेन आप देख सकते हैं कितनी वाजह है, कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है जी, जो कि इंजन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इंजन अगर हम ऐसे ही स्टार्ट करते इसको तो ये टूट भी सकता था, इसके अंदर कुछ बहुत से कॉम्पोनेंट्स टूट भी सकते थे, वैसे तो इसने स्टार्ट होना ही नहीं था, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कंडीशन आपके सामने सारी, हमने क्लाइंट को वीडियो भेजी दिखाया और फिर इसी में हमने बेहतरी जानी कि हम कंप्लीट हेड इसका खोलें, खोल के साफ़ करें और रीबिल्ड करके हेड इसको वापस फिट करें। ये है जी आपका स्टॉक इंजन जो कि हमने रावी पियाजी से निकाला है, उनको कस्टमर को भी और आप लोगों को भी बताने के लिए, व्यूवर्स को बताने के लिए कि इंजन अंदर से ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी आपका आगे चल के आपको और क्लियर वीडियो दिखाएंगे। ये वो वॉल्स हैं जो चल के बाइक आई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। या आप ये पोर्शन देखें जहाँ से फ्यूल मिक्सचर बन के जाना है, ये भी बिल्कुल साफ़ होगा तो ही चलेगा, वरना ये जगह नहीं चलेगी। वाल्व्स के ऊपर जो रस्ट का मतलब है कि वो वर्किंग में है, चल रहे हैं, और जो ब्लैकेज है वो कार्बन है जो कि बिल्कुल ठीक है, अपनी पिस्टाइन कंडीशन में है वाल्व्स। तो ये होता है एक चलता इंजन और साफ इंजन। आइंदा आप भी कभी भी कोई इंजन परचेज करें तो उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जैसे इसकी ओरिजिनल इंजन की थी जो हमने इसके अंदर से निकाला है। तो होपफुली आपको हमारा मकसद समझ आ गया होगा। सो बॉयज, दिस इंजन इन एंड दिस वन इज आउट। रावी पियाजी का इंजन वो रख दिया हमने निकाल के, और जो है होंडा CB200 का सिंगल सिलेंडर इंजन हमने इसमें रख दिया, सारी फिटिंग कर दी इसकी। अब इसके कार्बोरेटर लगाएंगे, बैटरी चेंज होगी और जो इसके बाकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो चेंज होंगे, और फिर आगे इसको स्टार्टिंग करके आपको दिखाएंगे इंजन की। यहाँ से तो आपको पहले दिखाया था मैंने अंदर से क्या कंडीशन थी इसकी, ठीक है। बाकी देखें ये इसके अंदर से ये निकला है पूरा, ऑयल के ऊपर सारा ऑयल आया हुआ है, ठीक है। अंदर से काफ़ी गंदा ही निकला है अंदर से ये इंजन, हमने पूरा इसको खोला हुआ है। ये देखें पिस्टन के ऊपर ऑयल आया हुआ काफ़ी सारा, ये पहले तेल उठाती रही है, पहले जो ये था ना पिस्टन ऑयल उठाता रहा, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं इंशाल्लाह साफ़ सूफ करके जितना जो है ना वो हो सकता है इसको कम खर्चे में इसको चलाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये देखें इसका वो जो है ना हेड वगैरह, ये इसका टैपर्ड कवर पड़ा हुआ है, ये इसका इंजन की जो नीचे वाला पीस ये सारा खुला हुआ है। तो यहाँ पर हमने हेड और सिलेंडर उठाने के बाद जो है इसका रॉड और इसकी क्रैंक जो है कम्प्लीटली वॉश की, इसको केमिकल से वॉश किया गया अंदर तक ताकि भी कोई भी पार्टिकल अंदर रह ना पाए, और फिर हमने इसका जो पिस्टन है वो 50 नंबर पे चेंज कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टैपर्ट्स, कैम, टाइमिंग चेन, हर एक चीज़ साफ सुथरी करके वापस फिट कर दी गई है। सो यहाँ पर हुआ एक ट्विस्ट, वो ये हुआ कि जो हमारे कस्टमर भाई हैं उन्होंने किसी से काफ़ी अच्छी अमाउंट देकर रावी पियाजी की जेन्युइन वायरिंग खरीदी। जब वो खरीदी तो जब हमारे पास आई तो पता चला किसी ने उनको लोडर रिक्शे की वायरिंग दे दी, ये कह के कि जी भाई ये रावी पियाजी को लग जाएगी, लेकिन जबकि इसकी सारी ग्रिप्स चेंज थी। पहली बात ये कि इसमें 4 ग्रिप्स लगनी थी और ये जो वायरिंग थी ये 8 ग्रिप्स वाली थी, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फालतू चीज़ें थी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं किसी चीज़ का जो नहीं ज़रूरत थी वो भी चीज़ें इसमें फालतू थी। तो ये हमने उनको समझाया, वीडियो बनाई और भेजी, उनको बताया कि आपको किसी ने गलत वायरिंग दे दी है, ये इसमें नहीं फिजिबल होगी, और अगर बन भी जाएगी तो बहुत मोटे मोटे गुच्छे बन जाएंगे जैसे कि इसमें बने हुए हैं। उसके बाद हमने इसके ओरिजिनल वायरिंग अरेंज की, वो आपको दिखाते हैं, और फिर हमने वो फिट की इसमें। सो बॉयज़, ये आ चुकी है इसकी न्यू वायरिंग, बिल्कुल न्यू विद फ्यूज़ एंड कम्प्लीट एवरीथिंग, ठीक है जी, कम्प्लीट इसकी वायरिंग। अब इसमें हमें लगानी है, इंजन जो है वो स्वैप हो चुका है, आपके सामने देख सकते हैं होंडा 200 इंजन स्वैप हो चुका है, और वायरिंग इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो पहले जो इंजन बड़ा है उसको करंट ज़्यादा चाहिए, ठीक हो गया। अब जो वायरिंग की कंडीशन है आप देख सकते हैं पहले क्या है, ठीक है, ये सारी जल चुकी हुई वायरिंग, सारी जो है ना वो मतलब बिल्कुल गंडम हो गई हुई वायरिंग, इस काबिल नहीं है कि ये चले, ये आप देख सकते हैं इस जगह से, ठीक हो गया। और यहाँ से आप देखें जगह जगह टक लगे हुए हैं और जगह जगह से जो है ख़राब हुई हुई वायरिंग है, देख रहे हैं आप, ठीक है जी। अब इसकी वायरिंग होने लगी सारी बाइक की, वायरिंग के बाद हम इसको स्टार्टिंग पर लेके जाएंगे इंजन को, ठीक है जी। अभी कार्बोरेटर ये लटक रहा है, बाद में हम इसको फिट कर देंगे। तो ये हमारी वायरिंग है जो न्यू भी हमने लगानी है, तो कंप्लीट वायरिंग न्यू हो जाएगी, ठीक है, जिसके बाद जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, और इंशाल्लाह आने वाले 5-6-7 साल जो है ना ये जो है ना अपनी परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रहेगी। अब इसकी बैटरी निकाल दी हमने, बैटरी न्यू लगेगी, इसमें किक भी नहीं आती, ये सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड इंजन है। तो अनदर अपडेट, कार्बोरेटर जो है हमारा फिक्स हो चुका है, हमारी जो वायरिंग है वो मेजरली वायरिंग जो है हमारी लगा दी गई है, देखें वायरिंग जो है कम्प्लीट साफ़ सुथरी वायरिंग, ये नीचे हॉर्न की वायर्स हैं,
ठीक है। नीचे अभी ये जो हमारा नीचे कॉइल होता है इग्निशन कॉइल और सारा जो कॉइल्स वगैरह उसकी वायर्स हैं सारी ठीक हो गई, इधर आ गई। उसके अलावा ये हमारी मोटी वायर जो हमने एक्स्ट्रा मंगवाई है, ये हमारी बैटरी को लगेगी। मेजरली वायरिंग हमारी आ चुकी है, देखें पीछे बैक की। अब बस अब इंशाल्लाह इसको जो है ना थोड़ा बहुत सी ग्रिप्स वगैरह की वायरिंग करेंगे, इग्निशन स्विच की करेंगे, फिर इसका आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। अब हम आज करने लगे बाइक स्टार्ट, क्योंकि हमने होंडा फैंटम का इंजन डाला था इसमें। बाइक हम स्टार्ट करने लगे, कॉइल वगैरह हमारे लग गए हैं ठीक है। आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसमें ज़्यादा माने देंगे। अभी इस वक्त हो गया पेट्रोल ख़त्म, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट हो गया है। अभी टंकी नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट है इस वक्त।